अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया, ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल के जमाने में क्या होता है, एक बाप है, बहुत बड़ा सेठ है, उसके दो बेटे हैं, बाप की मौत हो जाती है, दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों बेटे अपने आप को भगवान राम का चेला मानते हैं, भगवान राम का शिष्य मानते हैं, और दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में। दोनों ने राम नाम का दुपट्टा ओढ़ रखा है। आसमान में अगर भगवान राम बैठे होंगे तो टप टप आंसू बहा रहे होंगे, ये कैसे मेरे भक्त आ गए जो मेरा संदेश भी नहीं मानते। हमें भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में ढालना है, उनके संदेश को अपने जीवन में ढालना। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, वो जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करते थे। जब भगवान राम वनवास गए, चारों तरफ बात फैल गई कि भगवान राम वनवास आए हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करना चाहते थे। वन में एक माता शबरी थी, शबरी माता थी, वो ऐसी जाति से आती थी जिसको समाज के अंदर जो छुआछूत से प्रताड़ित थी। माता शबरी छुआछूत से प्रताड़ित थी, वो ऐसी जाति से आती थी, उन दिनों में उसे छोटी जाति कहते थे, छोटी जाति से आती। भगवान राम की परम भक्त थी। भगवान राम बड़े बड़े राजाओं को दर्शन देने के लिए उनके महलों में नहीं गए, भगवान राम माता शबरी की गरीब झोपड़ी के अंदर उसको दर्शन देने के लिए गए। ऐसे थे भगवान राम, जो जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करते थे। आज हमारा समाज जाति के आधार पे पूरा बटा हुआ है। जब राम राज्य की बात की जाती है तो कहा जाता है कि पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुख शांति वाला अच्छा शासन आज तक कभी नहीं हुआ। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज में दैहिक दैविक भौतिक दुख किसी को नहीं होते। सब नर करही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, नीतियों के हिसाब से प्रेम से रहते हैं, प्रीति से रहते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आज दिल्ली के अंदर हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण के अंदर जो राम राज्य की परिभाषा दी गई है, जो अवधारणा दी गई है, उसे हमने 10 बिंदुओं के अंदर संजोया है। राम राज्य के अंदर कभी कोई भूखा नहीं मरता। जो गरीब लोग हैं हम उन्हें मुफ्त में राशन देते हैं। जो बेघर लोग हैं हम उनके लिए नाइट शेल्टर्स बनाते हैं ताकि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सबको समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर कोई बीमार हो जाए तो सबको समान और अच्छा इलाज मिलना चाहिए। पैसे के अभाव में किसी का इलाज रुकना नहीं चाहिए। 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। सबको पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सबसे जरूरी सिद्धांत रोजगार। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैल गई है, बच्चे डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। हमें भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहिए, लेकिन अगर उस 5 ट्रिलियन में से 4 ट्रिलियन एक ही आदमी के पास होंगे और 1 ट्रिलियन 140 करोड़ लोगों के पास होगा तो सारा देश तो गरीब रह जाएगा, एक ही आदमी अमीर बनेगा। उससे तो लोगों को, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उससे तो देश की तरक्की नहीं होगी। तो हमें ऐसा करना है कि हमें देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनाना ही है। राम राज्य की अवधारणा का हमारा 9वां सिद्धांत महंगाई, महंगाई कम करनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव की राजनीति क्या नया रूप दिखा दे कह नहीं सकते। एनडीए बनाम इंडिया की महाभारत में शस्त्रों से ज्यादा मार बयान करते हैं, कहीं फूट तो कहीं सत्ता के नए समीकरण बनते हैं। इसी कड़ी में जनता के इन सम्मानीय प्रतिनिधि के बड़े बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें बताएं। और ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े न्यूज़ टुडे भारत से। नमस्कार।